नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कल से राज्य के 79 नगर निकायों में शुरू होगा वार्डो के गठन का काम। गंगा जल को पीने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे लोग। रेल प्रशासन की बड़ी पहल, महिलाओं को दे रही है यह विशेष सुविधा। मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू। हैदराबाद और गुजरात के बीच मुकाबले में दिखी अनोखी होर्डिंग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कल से राज्य के 79 नगर निकायों में शुरू होगा वार्डों के गठन का काम। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अभी वार्डों को लेकर के सभी वार्डों के गठन की प्रक्रिया को पूरा कराने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद अब कल से बिहार के कुल 79 नगर निकायों के वार्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब गठित नए नगर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड का गठन किया जाना है। इनमें नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर निकाय शामिल है। इन सभी प्रक्रिया को आने वाले 2 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य के 79 नगर निकायों के वार्डों के गठन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जो कि 27 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 28 अप्रैल को गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के व्यवहार पर ऐसे रखी जाएगी नजर। आए दिन खबर आती रहती है कि ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे में अब वो आम राहगीरों के साथ मनमानी नहीं कर सकते हैं। साथ ही वाहन चेकिंग के समय मनचलों के व्यवहार पर भी नजर रखा जा सकेगा, क्योंकि अभी फिलहाल राजधानी पटना की बात करें तो यहां के ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर बॉडी वॉर्न कैमरा लग गया है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस के 6 सेक्टर प्रभारियों को ही ये कैमरा दिया गया है, जिसमें डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाने के सामने सहित अन्य महत्वपूर्ण जगह शामिल है। इस ऑन करके ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी करेंगे और राहगीरों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। साथ ही चोर, उचक्कों और मनचलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। गंगा जल को पीने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे लोग। राज्य के 4 शहर गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में गंगा के जल को शुद्ध कर पीने लायक बनाकर प्रयोग में लाया जाएगा। अगर इन 4 शहरों में ये योजना सफल रही तो इस तर्ज पर राजधानी पटना में भी गंगा जल को पीने लायक बनाकर सभी घरों में इसकी आपूर्ति की जाएगी। इस क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस योजना के तहत बरसात के समय 4 महीने गंगा के जल को 3-4 अलग जगहों पर एकत्र किया जाएगा, जिससे शुद्ध कर पेयजल के रूप में आपूर्ति होगी। बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स के 1095 अभ्यर्थियों के आवेदन हुए खारिज। बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले 1095 अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। दरअसल इन अभ्यर्थियों के आवेदन अधिक उम्र, कम उम्र और एक से अधिक आवेदन के चलते खारिज किए गए हैं। बीपीएससी ने कहा है कि आयु की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 निर्धारित थी, जबकि बाकी 66 उम्मीदवारों के आवेदन एक से अधिक आवेदन करने के चलते खारिज किए गए हैं, जो कि विज्ञापन शर्तों का उल्लंघन है। इन 66 अभ्यर्थियों के कुल मिलाकर 132 आवेदन आए थे, जिसके चलते इनके आवेदन खारिज कर दिए गए। निगरानी विभाग के हाथ लगा कुबेर का खजाना। विशेष निगरानी इकाई ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राजधानी पटना में सहायक इंस्पेक्टर जनरल रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान निगरानी विभाग के हाथों बड़ी संपत्ति हाथ लगी है। रूपक कुमार के कार्यालय में जब छानबीन की गई तो वहां से 5,80,822 रुपए मिले। ये पैसे सुबह सुबह ही जेल में सामान सप्लाई करने वाले किसी ठेकेदार ने लेकर दिए थे। इसके अलावा शहर के आशियाना नगर फेज 2 के सी ब्लॉक में मौजूद उनके आलिशान 3 मंजिला मकान से 62 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, 80 लाख के बहुमूल्य सामान, देवघर और रांची, जमशेदपुर, सिलीगुड़ी, नोएडा और बैंगलोर में जमीन, फ्लैट और दुकानों के कागजात भी मिले हैं। रूपक कुमार राज्य के सबसे बड़े जेल बेउर जेल में भी जेलर रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार को 54,500 करोड़ राजस्व प्राप्त, 17 साल में 50,939 करोड़ की वृद्धि। प्रदेश के योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में संसाधन काफी कम है, फिर भी बिहार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में न्याय के साथ विकास के उद्देश्य को सार्थक बनाने का प्रयास किया। 2005 में 3,561 करोड़ राजस्व बिहार को प्राप्त होता है, लेकिन आज 54,500 करोड़ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 2005 में 20,058 करोड़ रुपए बजट था, आज बिहार में 2,05,000 करोड़ रुपए बजट पर खर्च हो रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही बिहार देश में 2,00,000 करोड़ रुपए व्यय करने वाले 5 बड़े राज्यों में इसे शामिल हो गया है, जो कि बिहार के लिए गर्व की बात है। रेल प्रशासन की बड़ी पहल, महिलाओं को दे रही है ये विशेष सुविधा। रेल में महिलाओं की सहायता के लिए अब रेल प्रशासन ने बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए अब महिला ट्रेन टिकट निरीक्षक मौजूद होंगी।
मंडल रेल प्रशासन इसके लिए दुर्गा टीम बनाने के लिए शीघ्र ही महिला टीटीई का चयन करेगा। यही नहीं, ये टीम महिला यात्रियों को सुरक्षा के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि महिला कोच में पुरुष घुसाते हैं, ऐसे में इन पुरुष यात्रियों से इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा। दुर्गा टीम इसके साथ ही बड़े से बड़े छोटी से छोटी सुविधा भी मुहैया कराएगी। मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू। मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त की गई वाहनों की नीलामी ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम MSTC यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सेवाएं ले रहा है। आपको बता दें कि ई नीलामी की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जब्त वाहन का वितरण MSTC की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसके बाद वेबसाइट की ई ऑक्शन सेक्शन में वाहन का विवरण भी देखकर खरीदने के इच्छुक व्यक्ति सिर्फ मोबाइल नंबर और OTP डालकर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। इसके बाद उस जगह पर जाकर वाहन को देखकर संतुष्ट हो सकेंगे। आपको बता दें इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 अप्रैल को 350 वाहनों की वेबसाइट पर ई नीलामी प्रक्रिया की गई, जिसमें 257 वाहनों की बिक्री भी हुई। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% सीटें अब लड़कियों के लिए रहेंगी आरक्षित। बिहार सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने और पुरुषों से हर कदम पर बराबरी करने और ऊंची उड़ान भरने के लिए लगभग हर क्षेत्र में आरक्षण दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% सीटें अब लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी और व्यवस्था 2022 से लागू होगी। और इसी के साथ 1121 सीटों में से करीब करीब 373 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हो गई हैं। आपको बता दें कि यह सुविधा महिलाओं को राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, और इसी सत्र से एडमिशन प्रक्रिया में लड़कियों को 33% आरक्षण नहीं दिया गया है। थावे महोत्सव के आगाज के साथ ही बिहार में एक बार फिर मेले और महोत्सव का दौर शुरू। बिहार में अब एक बार फिर से मनोरंजन का दौर शुरू होने वाला है। लंबे समय के बाद कोरोना से राहत मिला है और ऐसे में अब सभी चीजें वापस अपनी अपनी जगह पर आ रही हैं। इन्हीं में से एक है राज्य में मेले या महोत्सव का आयोजन। बिहार के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक परंपराएं होती है जो कि लंबे अरसे से चली आ रही है। ऐसे में इन अवसरों पर कोरोना की वजह से किसी महोत्सव या फिर मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सब होगा। इसकी शुरुआत थावे महोत्सव से हो चुकी है। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे गोपालगंज में रामनवमी के मौके पर पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित थावे महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग 36 आयोजन कर रहा है। इसमें 32 महोत्सव और 4 मेले हैं। बिहार में अब तक शुरू नहीं हुआ बूस्टर डोज का टीकाकरण। देश भर में रविवार से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को कोरोना टीका का बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है। बूस्टर डोज का टीकाकरण सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही बने वैक्सीनेशन सेंटर में उपलब्ध है। बूस्टर डोज की वैक्सीनेशन के लिए लोगों को सरकार की तरफ से निर्धारित राशि खर्च करनी होगी। लेकिन बिहार की बात करें तो बूस्टर डोज के टीकाकरण शुरू हुए 2 दिन हो गए, लेकिन दूसरे दिन भी प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में बूस्टर डोज का टीकाकरण नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट अस्पतालों के बीच मामला फंसा हुआ है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी समस्याओं को दूर करके प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में भी बूस्टर डोज का टीकाकरण जल्द शुरू हो जाएगा। वेदर स्टेशन के उपकरणों की गड़बड़ी से गलत आ रहे हैं आंकड़े। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरणों में गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी वजह से मौसम विज्ञानी की परेशानी बढ़ी है। उपकरणों के खराब हो जाने की वजह से मौसम विज्ञानी सही आंकड़ों का पता नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में लगे सेंसर की गड़बड़ी के चलते राज्य के कुछ जिलों में तापमान के गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 15 दिनों से बक्सर और बांका में अधिकतम तापमान से जुड़े आंकड़ों की जाँच के दौरान ये बातें सामने आई है। आंकड़ों की जाँच के बाद इसे बाद में संशोधित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार से मिले अशोक यादव, अटकलों का बाजार गर्म। बिहार विधान परिषद के स्थानीय कोटे के चुनाव के बाद जीत दर्ज कराए पार्षदों का बीते दिन शपथ ग्रहण कराया गया। इस बीच शपथ ग्रहण के बाद नवादा से जीत कराए अशोक यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। वहां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब अशोक यादव तेजस्वी यादव से मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री विजेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास लेंगे। इस सब के बीच जो सियासी गलियारे की सरगर्मी बढ़ी है वो देखने लायक है। अटकलों का बाजार काफी गर्म है। रजनीगंधा पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए तेज प्रताप यादव ने छेड़ी मुहिम। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपनी बातों और ट्वीट को लेकर चर्चे में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा है। तेज प्रताप यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि नीतीश चाचा जी, ये दारूबंदी बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवाएं। कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे। साथ ही उन्होंने इसके नीचे लिखा कि मुहिम बंद करो रजनीगंधा तुलसी। शायद तेज प्रताप यादव रजनीगंधा और तुलसी बंद करने के पक्ष में मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं।
हैदराबाद और गुजरात के बीच मुकाबले में दिखी अनोखी होल्डिंग। नई आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात की टीम को 8 विकेट से हराया, जो कि अभी तक खेले गए अपने 3 मैच जीत चुकी है। ऐसे में गुजरात टाइटंस के कप्तान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दिलचस्प तो ये था कि मैदान पर मौजूद एक दर्शक ने हार्दिक पांड्या के सामने एक चुनौती रखी। इस दर्शक ने होर्डिंग पर लिखा कि अगर हार्दिक ने 50 बनाया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। हैरान करने वाली बात यह रही कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात की पारी के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अब लोग ये जानने को उत्सुक है कि उस युवक ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है या नहीं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, सलीम भाई, मुकेश कुमार, सोनाली सिन्हा, बनारसी यादव, कविता कुमारी, राकेश रोशन, प्रेमलता कुमारी, पिंटू पासवान। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के रेल में आपको समुचित व्यवस्था की सुविधा मिलती है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।